नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, जॉब सुरक्षा को लेकर जो है कुछ और ताज़ा जानकारी लेके आए हाँ। वह हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो है सभी कर्मचारियों को शामिल करने का काम किया जावे। 6 महीने से लेके 5 लाख के जो भी कर्मचारी जहाँ भी लगे हुए हैं, तो उन कर्मचारियों को भी जो है जॉब सिक्योरिटी का लाभ दिया जावे। और जो ठेकेदारी प्रथा के अंदर जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको भी जो इस पॉलिसी के अंदर शामिल किया जावे। क्योंकि पहले जो ठेकेदारी प्रथा में थे, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ने उनको जो है हरियाणा कौशल निगम में डाल दिया, लेकिन अभी भी ठेकेदारी प्रथा चल रही है, जहाँ पे हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं जिसको 3 साल 5 साल 4 साल 2 साल तो इस प्रकार से लगे हुए हो चुके हैं। तो हरियाणा सरकार को कड़ा संज्ञान लेते हुए सभी को एचकेएन में रिपोर्ट करना चाहिए और सभी को जो है फिर जॉब सिक्योरिटी का लाभ देने का काम करना चाहिए। और धीरे धीरे जो है सभी डिपार्टमेंटों के अंदर भी जो है जॉब सिक्योरिटी का जो पत्र है वो पहुँचने का काम हो जाएगा। और सीएम साहब से जो है जो भारतीय मजदूर संघ है, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ है, उसके जो साथी हैं वो भी मिले थे। और वहाँ पे सीएम साहब ने क्या क्या कहा, सारी सारी बातें आप साथियों को दिखा देते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए साथियों, इस प्रकार से जो है डिपार्टमेंटों ने धीरे धीरे डाटा लेना शुरू कर दिया है। सभी के सभी लेटर जो आप साथियों को दिखावाएंगे जो अभी लग के आए हैं, और किस किस डिपार्टमेंट ने जो है अपनी तरफ से लेटर जारी कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए साथियों, इस प्रकार से जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसने जो है अपने अकॉर्डिंग वह डाटा मांगा था हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों का, बैकअप से जो है ज्वाइनिंग करी है, और ठेकेदारी प्रथा में कब से आए थे और कितने कितने साल हो चुके हैं। क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर भी मेंशन है कि 5 साल लग के कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ दिया जाएगा। तो इसीलिए साथियों देख लीजिए, उससे आगे बात करा वह कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी सर्विस एक्ट के लिए जो कोऑपरेटिव बैंक है, इसने भी अपनी तरफ से जो है लेटर जारी करने का काम कर दिया था। और उससे आगे बात करा साथियों, वह सिरसा जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत। अनुबंधित कर्मचारियों को 58 साल लग जॉब सिक्योरिटी को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। CDLU ने भी जो है अपनी तरफ से जो है लेटर जारी किया था, और यहां पे भी जो है कर्मचारियों का डाटा लेने का काम शुरू कर रखा है। वह जैसे जो है कर्मचारियों का डाटा ले लिया जाएगा, फिर उनको जो है जॉब सुरक्षा के पत्र देने का काम किया जाएगा। और वहीं उससे आगे बात करें साथियों, वह जो फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है, इसने भी अपनी तरफ से जो है लेटर जारी कर दिया है 10/10/2024 को, और यहाँ पे भी जो है कर्मचारियों का जो डाटा है वो लेना शुरू कर दिया है। और उससे आगे बात करा साथियों, भाई इस डिपार्टमेंट ने भी ये देख लीजिए अपनी तरफ से जो भी लेटर जारी कर दिया है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय 2024 को लेके। और यहाँ पे तो भाई इस डिपार्टमेंट ने तो उन कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा के पत्र देने का भी काम कर दिया है। इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, भाई जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, भाई इसने जो है अपनी तरफ से कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दे दी है, जिसने अपने जो है 5 साल कंप्लीट कर लिए थे, और उनकी जो है सैलरी वाइज जो है डाटा भी दे दिया है, और इनकी ज्वाइनिंग डेट कब से है वो भी जो है डालने का काम कर दिया है। इन कर्मचारियों को जो है अब जो आगे जो सैलरी आओगी वो जो है इसके बेसिक रेट के हिसाब से जो है देने का काम है किया जाएगा। और वहीं उससे आगे बात करा साथियों, जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत कर्मचारियों को दिवाली से पहले वेतन मिलेगा। इस प्रकार से जो भारतीय मजदूर संघ और अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के जो साथी हैं वहाँ पर मिले थे, पवन कुमार जी और प्रदेश महामंत्री हवा सिंह महला जी, जिन्होंने जॉब हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भी बनवाया, और उसके बाद में जो है इसको एक जॉब सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के तहत जो है लाने का काम किया। तो अब जो है जो ये सीएम साहब से मिले, तो सीएम साहब ने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि दिवाली से पहले पहले जो है कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सभी कर्मचारियों को यहाँ पे लिखा गया भाई जो बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, और सभी कर्मचारी अपने आप को जो है पक्का समझें। कई अन्य विषयों पर गहनता से जो है चर्चा करने का काम भी किया गया है। तो इस प्रकार से हम तो हरियाणा सरकार के सीएम साहब से रिक्वेस्ट करा हाँ कि आपने ये जो सभी शब्द लिखवाया है तो सभी के सभी इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। 6 महीने से लेके 5 साल लग के जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी इस पॉलिसी के अंदर शामिल किया जावे, क्योंकि जो सैलरी आपने बढ़ोतरी करी है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो एचकेएन को ऑलरेडी सैलरियाँ मिल रही हैं वही जो है बेसिक पे के तहत आओगी। 1000-2000 रुपये का फर्क पड़ेगा, इससे हरियाणा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता 1000-2000 रुपये में। तो इन सभी कर्मचारियों को जो है जॉब सिक्योरिटी के तहत 58 साल की सेवा सुरक्षा दे दी जावे, जिससे ये साथी जो अपना भविष्य जो है निश्चित कर सकें, और आगे आने वाली भर्तियों के अंदर भी अपना जो है अच्छे तरीके से जो है तैयारी वगैरह कर सकें, और गवर्नमेंट जॉब भी जो है लगने का काम हो सके। तो आप सब तक यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे, जितने भी ठेकेदारी प्रथा के तहत जो कच्चे कर्मचारी हैं
उनको भी हरियाणा सरकार जो है स्कैनिंग के अंदर पोर्ट कराए और उन कर्मचारियों को भी जॉब सिक्योरिटी का लाभ देवे। और आप साथियों क्या राय है तो आप साथी भी जो है कमेंट कर देना। और आप साथियों क्या लगा हुआ कि हरियाणा सरकार को 6 महीने से लेकर 5 साल तक के जो कर्मचारी हैं इनको शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप साथी भी जो है कमेंट कर देना। आप साथियों वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।